नमस्कार जय भीम साथियों, आज आपका स्वागत है अम्बेडकर नामा में। आज हम चर्चा करेंगे अम्बेडकर साहब और महाराजा बड़ौदा के रिश्तों के बारे में और उनके करारनामे के बारे में कि जो अमेरिका उन्होंने भेजा था तो उनका क्या एग्रीमेंट हुआ था, जब लौट कर आए थे तो क्या हुआ था, उसके बाद वो बड़ौदा छोड़कर जब मुंबई आ गए क्या हुआ, और उसके बाद बड़ौदा महाराज और अंबेडकर की मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट अंबेडकर की राइटिंग्स वॉल्यूम 17 पार्ट 1 में है, आप पढ़ सकते हैं उसको, आप देख सकते हैं। और हिंदी में अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 35, 35वां नंबर वॉल्यूम देख सकते हैं। जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट का एक पन्ना मिसिंग है, तो जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। उसमें मूल रूप से 6 पॉइंट्स हैं और आप सब जानते हैं कि जब वो लौट कर आए थे तो एक एग्रीमेंट था कि उसमें 10 वर्ष वो बड़ौदा स्टेट में काम करेंगे और जाने से पहले भी बड़ौदा स्टेट में वो काम कर रहे थे। तो एग्रीमेंट में जो पहला जो पॉइंट है वो है कि आप अमेरिका जाएंगे और वहां पे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। ये पहला एग्रीमेंट का पार्ट है। उसके बाद जो दूसरा है वो दूसरा एग्रीमेंट है कि बगैर महाराज के अनुमति के अंबेडकर अपना कोर्स चेंज नहीं करेंगे, और ये दूसरा है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो क्वार्टरली रिपोर्ट देंगे। वहां जो लोकल उनके गार्डियन थे, जो उनके सुपरवाइजर थे, उनका नाम था H.C. पंपस। या तो पंपस साहब से या जो उनके टीचर होंगे उनके द्वारा आपको देना पड़ेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्वार्टरली, हर 3 महीने पे। ये तीसरा पॉइंट था। जो चौथा पॉइंट था वो ये था कि जाने से पहले उनको 500 रुपया मिलेगा जिससे कि वो अपना कपड़ा और तमाम जो सामान है वो खरीद सकें। पांचवा जो पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि वो किसी फ्रांसीसी या ब्रिटिश स्टीमर से सेकंड क्लास में उनको किराया दिया जाएगा जाने का, और जब वो लौटेंगे या फिर तबीयत खराब हो जाए, चाहे कुछ भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो, तो लौटने वक्त भी उनको सेकंड क्लास का स्टीमर का किराया दिया जाएगा। जो छठा पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि उनको 230 पाउंड जो वार्षिक उनको स्टाइपेंड मिलेगा, इसके अलावा और जो खर्च है वो खर्च दिया जाएगा। ये 6 पॉइंट था एग्रीमेंट में जो कि लिखित अवेलेबल है, एक पन्ना मिसिंग है उसमें से। और इसमें जो सिग्नेचर हुआ था वो एक तरफ अंबेडकर का सिग्नेचर है और दूसरी तरफ M.C. जोशी और G.M. शाह, G.M. शाह सहायक शिक्षा मंत्री उस समय थे, उनका, इन दोनों का सिग्नेचर है। अमेरिका से जब वो लौट कर आए तो बड़ौदा स्टेट में नौकरी करने गए, और उनके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, आप सब वाकिफ हैं कि किस तरीके से उनके साथ जातीय दुर्व्यवहार, भेदभाव हुआ, ये सारा कहानी सबको पता है। ये कैसे उनको मकान नहीं मिलता था, पानी भी दूर से दिया जाता था, फाइल फेंक के दिया जाता था इत्यादि। तो इससे दुखी होकर अंबेडकर बड़ौदा एस्टेट नौकरी छोड़कर मुंबई वापस चले आए और वहां उन्होंने वकालत की शुरुआत की। ये 1918 के आसपास की बात है। तो अब ये एक एग्रीमेंट था कि जब इंग्लैंड में वो पढ़ने अमेरिका पढ़ने गए और वहां से जब लौट कर आए तो 1 साल इंग्लैंड में भी रहे थे, और उनपे जो टोटल खर्चा हुआ था 2013 से लेकर 2017 तक, वो टोटल खर्च था 20,434 रुपए और 6 पैसे। ये किताब में ये उल्लिखित है, 20,434 रुपए 6 पैसे। तो ये जब वो लौट कर आए, जब वापस लौट कर आए मुंबई, तो हुआ कि भाई महाराज के बगैर अनुमति के, बगैर जाने हुए उनके जो अधिकारी थे जोशी साहब, जिनका नाम अभी हमने लिया जोशी, तो वहां वो जनेऊ लीला एक तरीके से शुरू हो जाता है। बगैर महाराज के जाने हुए उन्होंने अंबेडकर को एक तरह से धमकी दी और उन पर मुकदमा करने की बात की, कई चिट्ठी लिखा कि आप पैसे वापस कीजिए तमाम। इसी संदर्भ में अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में, 9 दिसंबर 1924 में एक लंबा पत्र लिखा था पंडित के नाम से, प्रिय डियर पंडित, पंडित मतलब M.C. जोशी। और ये पत्र का लब्बो लंबा लेटर है, लेकिन इस पत्र का लब्बो लुआब यह है कि वो कह रहे हैं कि मैं पैसा देना चाहता हूं,
लेकिन अभी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं पैसा लौटा सकूं, अभी मुझे खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है जीने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए। और लंबा एक चिट्ठी है और उसमें वो कहते हैं बार बार कि अभी मैं एस्टैब्लिश हो रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं एस्टैब्लिश होने के लिए, और जब मैं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा तब मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। आई एम ए मैन ऑफ कैरेक्टर, अगर मैं चरित्रवान व्यक्ति नहीं होता तो मुझे मैं बड़ौदा नौकरी करने जाता ही नहीं, या फिर अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत ने कई ऑफर दिए हैं वो ऑफर स्वीकार करके मैं नौकरी कर लेता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मैन ऑफ कैरेक्टर, ये टर्मोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि मैं चरित्रवान व्यक्ति हूं और पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन अंबेडकर उसमें धमकी भी देते हैं कि अगर आप मुझे धमकी दे रहे हैं कोर्ट कचहरी जाने की, तो आप एक काम करो, आप कोर्ट ही चले जाओ, वहां से न्याय, वहां से डिग्री लेकर आओ, वहां से जीत कराओ, डिग्री लेकर आओ, जीत कराओ, तब पैसे ले लेना। लेकिन कहते हैं कि केस मुकदमा से कोई फायदा नहीं है और इसमें महाराज की बदनामी भी होगी और पूरे समुदाय की बदनामी होगी, ये बात उस चिट्ठी में वो बार बार लिख रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे वक्त दिया जाए, समय दिया जाए और मैं वो पैसे लौटा दूंगा, स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, लौटाऊंगा पैसे। तो ये मोटा मोटी वो चिट्ठी का ये लब लुआब है कि कहते हैं कि लीगल प्रोफेशन में मैं अभी इस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, अब एक ही साल मैंने प्रैक्टिस की है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट करने की है, उस चिट्ठी में वो कहते हैं कि जातिवाद यहां भरा हुआ है लीगल प्रोफेशन में भी, और जिसकी वजह से मुझे अपने स्टेटस से नीचे का काम लेना पड़ता है, मुझे हर पल स्ट्रगल करना पड़ता है एज ए बैरिस्टर, एज ए वकील, एडवोकेट। तो ये बात वो चिट्ठी में लिखते हैं, सारी बातें आप चिट्ठी पढ़ सकते हैं, विस्तार से एक एक पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1924 के बाद आप देखेंगे कि 6 साल अंबेडकर और महाराजा गायकवाड़ के बीच में कोई कम्युनिकेशन अभी मुझे प्रमाण नहीं मिला है, और जो प्रमाण है वो ये है कि गोल में सम्मेलन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में नवंबर में, वहां पे जो डेलीगेट्स गए थे उसमें अंबेडकर भी थे और महाराजा गायकवाड़ भी थे, और उसमें टोटल 89 मेंबर्स थे। तो वहां जब अंबेडकर का भाषण हुआ तो बहुत ही जबरदस्त ऑरेटरी स्किल कंटेंट, ये बहुत ही मार्वेलस भाषण हुआ और ब्रिटेन के अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा था। उस भाषण को सुनने के बाद जब बड़ौदा महाराज जब वापस अपने घर लौटे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड और मतलब भावुक, इमोशनल होकर लौटे, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैंने जितना पैसा और जितना मेहनत खर्च किया है अंबेडकर के ऊपर, वो सारा पैसा, वो सारा कुछ वसूल हो गया, वो वापस आ गया, इतना वो प्रभावित हुए अंबेडकर के भाषण से। उसके बाद उन्होंने एक डिनर क्लोज फ्रेंड के साथ उन्होंने डिनर पार्टी दिया और उसमें अंबेडकर को इनवाइट किया उस डिनर पार्टी में। तो ये था बड़े लोगों का जो एक अंबेडकर को बिल्डअप करने में, बनाने में बड़े लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये देखने की बात है। वो बड़ा होने के लिए सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है, बड़ा सोच, बड़ी सोच और बड़ा दिल भी होना चाहिए, तब आप बड़े बनते हैं। अब मैं 2020 में हूं और मैं ये समझता हूं कि आज हमारे पास कोई गायकवाड़ नहीं है। अंबेडकर के संघर्ष के बाद आरक्षण मिला और हजारों आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नेता, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम सब बने, लेकिन आज भी एक कोई फाउंडेशन नहीं बना, एक कोई संस्था नहीं बनी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना कि जो ऐसे समुदाय से आने वाले लोग को विदेश कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजने के लिए, चाहे वो कांशीराम के नाम पे ही फाउंडेशन बन जाता, चाहे कर्पूरी ठाकुर के नाम पे फाउंडेशन बनता, चाहे बीवी मंडल के नाम पे बनता, चाहे लोहिया के नाम पे बनता, और वैसे छात्रों को विदेश भेजा जाता, चाहे स्कूल कॉलेज यहां खोले जाते, जिससे कि भविष्य में सैकड़ों हजारों अंबेडकर हम पैदा कर पाए। तो ये दलित बहुजन पॉलिटिक्स की, दलित बैकवर्ड ट्राइबल पॉलिटिक्स की एक त्रासदी भी है कि इतने लोग होने के, देखिए व्यवसाय है, हजारों संगठन है, बाम सेफ है, कर्मचारियों के संगठन है, पैसे की कमी नहीं है, दलित इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन भी उभरे हैं और उन्होंने डिक्की दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स भी बनाया है। तो संसाधन और पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ जो कमी है वो है एजेंडा की और सोच की। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सब अगर चाहेंगे तो इस तरह के संस्थाओं का निर्माण हो जाएगा। आज के कार्यक्रम में, आज के वीडियो में इतना ही, और कल जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं एक और दिलचस्प
पहलू पे बात करूंगा और एक कैरेक्टर के ऊपर बात करूंगा। वो जो कैरेक्टर है उनका नाम है एमसी राजा। एमसी राजा पहले अनटचेबल थे जो कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में मेंबर थे अंबेडकर से पहले, और सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन का मुद्दा उठाने वाले पहले एमसी राजा ही थे। और पूना पैक्ट का जो सिग्नेटरी है जितने लोग, उसमें एक नाम एमसी राजा का भी है। तो कल मैं अंबेडकर के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, कैसे डिविएशन हुआ उनके आइडियाज में, कैसे वो सेपरेट इलेक्टोरेट से जाकर फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वकालत करने लगे और क्या क्या बात हुई, कल के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये मेरा एक प्रयास है कि जो मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, जो लिखता हूं, साधारण शब्दों में 10 से 12 मिनट की वीडियो में बनाकर आपके साझा करूं, आपके बीच पहुंचाऊं, कि जिससे सब लोग मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो आसानी से आपके पास ये बात पहुंचे। यदि ये विमर्श अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से मैं आप आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, समीक्षा करें, और कमेंट सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके बीच तुरंत उसकी सूचना चली जाए। शुक्रिया साथियों, जय भीम, शुक्रिया, थैंक यू। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।